क्या आप भी फूड डिलीवरी बिजनेस में हैं और अलग अलग तरीकों से मुनाफा कमाने की कोशिश में हैं? तो ऐसे में स्विगी को कैसे मिस किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनीज के बीच में स्विगी एक ऐसा नाम है जो आपके फूड बिजनेस के लिए मोटी आमदनी का जरिया बन सकता है। और आज हम जानेंगे कि आप अपने बिजनेस को इस पर कैसे लिस्ट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। स्विगी से ऑर्डर्स पाने के लिए आपको अपने होटल को इसके साथ पार्टनर के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा, जो आप इजिली कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले स्विगी पार्टनर पोर्टल पर जाएं, जो है partner.swiggy.com। लिंक हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और ये हमने आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। इस पोर्टल पे पहले स्टेप के तौर पर आप अपने रेस्टोरेंट का नाम, ओनर का नाम, यदि आप ओनर है तो आपका नाम ऑब्वियसली, ओनर की मेल आईडी, फोन नंबर और जिस शहर में रेस्टोरेंट है ये डिटेल्स डालेंगे। इसको एंटर करते ही आपके पास अगला विकल्प होगा, जहां आपको अपना GST डालना होगा। इसके बाद आप अपना ट्रेड नाम डालें, और भी जानकारी जैसे कि GST टाइप, GST डेट, शहर, बिजनेस टाइप आदि फूड लाइसेंस नंबर के साथ डालें। आपको दस्तावेज के तौर पर GST सर्टिफिकेट, FSSAI सर्टिफिकेट और आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग, वोटर ID, इन सब में से कोई एक पहचान पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ ये जानने कि अगर आप GST एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आते हैं तो आप GST प्रेजेंट के कॉलम में नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर यहाँ एक डिक्लेरेशन लिखा आएगा, लेकिन फूड लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो आपको भारत के खाद्य विभाग द्वारा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद आपके पास स्विगी की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल आएगी और सेल्स एग्जीक्यूटिव की कॉल भी आएगी। वो आपसे व्यक्तिगत तौर पर आकर मिलेंगे और आपके कार्यस्थान का भी जायजा लेंगे और फिर सर्विस अग्रीमेंट साइन करवाएंगे। इस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। लेकिन आप ये जान लें कि स्विगी अपने पार्टनर्स को अलग अलग कमीशन रेट चार्ज करता है। नॉर्मली ये 24-25% के बीच होता है, लेकिन अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट फेमस है और आपकी सर्विसेज इन डिमांड में हैं, तो स्विगी अपने रेट्स लो भी कर सकता है। अग्रीमेंट साइन करने के बाद आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे और बस अब आप लाइव जाइए और ऑर्डर्स पाइए। तो चाहे आप घर से फूड डिलीवरी कर रहे बिजनेस के तौर पर रजिस्टर्ड हो या किसी होटल या रेस्टोरेंट के तौर पर, आप स्विगी के माध्यम से नए कस्टमर्स पा सकते हैं और अधिक बिक्री कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फूड बिजनेस को एक ब्रांड के तौर पर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी फूड क्वालिटी, रिव्यूज, इन सब का जरूर ध्यान रखें और अपने फूड आइटम्स की लिस्टिंग अच्छे से करें, साथ ही अपनी सर्विसेज पे भी डिस्काउंट्स ऑफर करें। आइए अब कुछ एक बातें हम FSSAI लाइसेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये रजिस्ट्रेशन भारत में 3 कैटेगरीज में बटा है। पहला है बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन, जो कि 12 लाख से नीचे के फूड बिजनेस के लिए है। दूसरा है स्टेट FSSAI रजिस्ट्रेशन, जो कि 12 लाख से 20 करोड़ तक का व्यवसाय करने वाले बिजनेस के लिए है। और तीसरा है सेंट्रल FSSAI रजिस्ट्रेशन। ये लाइसेंस उन सभी के लिए है जिनके पास 20 करोड़ का कारोबार है या एक से अधिक राज्यों में ब्रांचेस हैं, या वो फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़ी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी अहम बिजनेस अपडेट्स के लिए पगार बुक को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन तो प्रेस कर ही दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। नमस्कार।